राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच आज पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यदि हमसे पहले बात की होती तो हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते थे। अगर बीजेपी ने सूचित किया होता कि वो एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार के रूप में दे रहे हैं तो हम उनका समर्थन करते। हम चाहते हैं कि देश में राष्ट्रपति के चुनाव बेहद शांतिपूर्ण हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां मुख्यमंत्री रथ यात्रा का उद्घाटन करने पहुंची थीं। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कहा कि मैं दुखी महसूस कर रही हूं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। हम भी उनका समर्थन कर सकते थे अगर बीजेपी ने हमसे चर्चा की होती, लेकिन अब मुझे वही करना होगा जो पूरा विपक्ष करने का फैसला करेगा। आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। यशवंत सिन्हा का नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही आगे किया था। यशवंत उस समय टीएमसी के उपाध्यक्ष थे और राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की घोषणा होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं जानकारी के हिसाब से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपने नामांकन के पहले कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी की मुखिया शरद पवार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही साथ देश के कई विपक्षी नेताओं से फ़ोन पर बात की और अपने लिए उनसे समर्थन की मांग की थी। बता दें कि देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होना है, जिसके नतीजे 21 जून को आएंगे। पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो बीते 10 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने घोषणा की। इसके बाद 15 जून को अधिसूचना जारी हुई। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख थी। अंतिम दिन तक कुल 115 नामांकन हुए, जिसमें जांच के पूर्व ही 28 नामांकन खारिज कर दिए गए। अब कुल 87 नामांकन बचे हैं। आज यानी 2 जुलाई को नाम वापसी का अंतिम दिन है। ऐसे में उम्मीदवारों की फाइनल सूची 3 जुलाई को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाएगी। आपको बताते चलें कि एनडीए के उम्मीदवार देने से पहले ही यशवंत सिन्हा के नाम पर पूरे विपक्ष ने मुहर लगा दी थी। पहले शरद पवार के साथ साथ तमाम दूसरे नेताओं के नाम की चर्चा चली, पर शरद पवार के राष्ट्रपति पद में उम्मीदवारी के इनकार करने के बाद यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर फाइनल किए गए थे। एनडीए द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही तमाम राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा ममता बनर्जी और यशवंत सिन्हा को अपनी उम्मीदवारी वापस कर लेने और मुर्मू को समर्थन देने की सलाह दी जा रही थी। ऐसे में ममता बनर्जी के आज का बयान खासा अहमियत रखता है। देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या उन राजनीतिक सलाहकारों की सलाह मानती हैं। दरअसल यदि आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन पहुंचना लगभग तय है। चुनाव औपचारिकता मात्र ही रह गया है। कुल मूल्य के जो वोट्स हैं, जो राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा मूल्य के वोट पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास और उसके समर्थित जो एनडीए है उसके पास उपलब्ध है। हालांकि उसके अलावा भी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित करने के बाद कई और विपक्षी दलों के टूटने की संभावना पूरी तरीके से प्रबल होती जा रही है। ममता बनर्जी ने ये बातें कोलकाता में 3 साल बाद इस्कॉन मंदिर में हो रही रथ यात्रा के अवसर पर कही। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की और साथ ही साथ रथ भी खींचा। देखें पूरा वीडियो। मीडिया भाई अनुरोध करब एक शांत थकून। पवित्र आनंद उत्सव दीदी हाथ दिए होते चले गुरुदेव हाथ दिए होते चले दीदी आरती कर सबाई एक बार बोलून हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 उलुध्वनि कथाय उलुध्वनि एबार चंदन जल चंदन जल कथाय चंदन जल तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः चंदन जल सुरातकं
চন্দনের গুঁড়ো দিয়ে জগন্নাথের রথের সামনে তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। জগন্নাথের রথ যাতে সুভাষিত হয়ে এগিয়ে চলে, চন্দনের গুঁড়ো দিয়ে সুশোভিত হোক মানব জীবন, ভক্তের জীবন। এবার চন্দন জল ছড়াচ্ছেন দিদি জগন্নাথের সামনে, তিনি চন্দন জল। সবাই বলুন হরি বল। এবার ফুল যাবে, ফুল মহিমা ফুল দিচ্ছেন। দিদি এখন একটু ফুল দিতে হবে জগন্নাথের রথের আগে, ছড়িয়ে দিন পুষ্প। সবাই বলুন হরি বল। আমাদের সবার হয়ে দিদি রাজা যে নীতি করেন জগন্নাথের কাছে, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রতি বছর দিদি আসেন এবং এইভাবে তিনি এবার সবাই আরতি করবেন, আমাদের গুরুবর্গরাও আরতি করবেন। সবাই জ্বালিয়ে দিন ক্লকওয়াইজ তিনবার, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তিনবার, সরে যান সরে যান। শঙ্খধ্বনি বাজাও, সবাই বলুন হরি বল। শঙ্খধ্বনি বাজান, শঙ্খধ্বনি হরি বল। গুরু মহারাজদেরকে বলবো ওনারা যাতে নারকল দিয়ে এই যাত্রা যাতে শুভযাত্রা হয় তার জন্য তারা প্রার্থনা করেন জগন্নাথের কাছে। অত্যন্ত শুভ কার্য নজর উতারণ এমন ভাবে ভাঙতে হবে যাতে ভেঙে যায়। হরি বল হরি বল, জয় জগন্নাথ, হরি বল হরি বল হরি বল। এবার এবার কেউ কাছে আসবেন না, আমরা শুধু দড়িটা একটু টানতে হবে শুভ সূচনা করার জন্য। শুধু আমরা গুরু মহারাজের অনুরোধ করবো কিছুক্ষণ থাকার জন্য, তোরা ব্যাগ যাও, তোরা একটা অন্য কেউ আসবেন না, দিদির হাত দিয়ে এই বাসুকী, স্বয়ং বাসুকী হচ্ছে এই দড়ি, ভগবানের অনেক আশীর্বাদ রথের দড়িতে যে একবার হাত দেয়। কেউ টানবেন না, শুধু শুরু হতে চলেছে 51তম ইসকন আয়োজিত কলকাতা রথযাত্রা। দিদি একটু টানুন, এবার টানুন আস্তে করে একটু, হরি বল, টানতে হবে আরেকটু, টানতে হবে আরেকটু আরেকটু, দুপাশ দিয়ে এই শুরু হয়ে গেল, শুরু হয়ে গেছে রথের দড়িতে টান পড়েছে। জয় জগন্নাথ।
অনেক ধন্যবাদ। শঙ্খধ্বনি অনুধ্বনি হরিধ্বনি চারিদিকে জয় জয়কার। প্রভু জগন্নাথ আবার 3 বছর পর রথে উঠেছেন। রথের দড়িটা একটুখানি কাছে নিয়ে আসুন, রথের দড়িটা কাছে নিয়ে আসুন এবং গুরু মহারাজদেরকে অনুরোধ করুন।